कुछ रिपोर्ट मिली? एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्यन जैन के ऊपर आरोप लगाए, दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। गुजरात में आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत काम किया, वहां की जनता का प्यार कुछ कम रह गया? नहीं, वहां की जनता से भी इतना जबरदस्त प्यार मिल रहा है, सारे चैनल्स के सर्वे कह रहे हैं, जैसे दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, दिल्ली में इन्होंने पूरी ताकत लगाई, इन्होंने 7 अपने मुख्यमंत्री लगाए, इन्होंने 17 केंद्रीय मंत्री लगाए, 27 टीवी चैनल्स पर दिन रात ये वीडियो खेलते रहे, गाली देते रहे केजरीवाल जी को, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली की जनता बोल रही है ना कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता वोट दे रही है ना कि केजरीवाल जी और उनके मंत्री सच्चे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, झूठ बोलती है दिन रात, ये आज दिल्ली की जनता कह रही है ना। वैसे ही गुजरात की जनता ने भी देखा कि ये एक नई पार्टी है और इसको बने हुए 10 साल हुए हैं, आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस पा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, गुजरात के हाथों पा रही है, गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दे रही है, नेशनल पार्टी का स्टेटस के लिए वोट कर रही है। ये लोग कहते थे कि भाई गुजरात तो बीजेपी का अभेद किला है, वहां पे कोई एंट्री नहीं मार सकता, वहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां से अमित शाह जी आते हैं, लेकिन सारे मिथ टूट गए। आम आदमी पार्टी अगर पहली बार गुजरात में जाके, जिसे अभेद किला बोलते हैं बीजेपी का बोलते थे लोग, उस तथाकथित अभेद किले में जाके अगर 15-20% वोट ले रही है तो ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा और सुखद संकेत है, और आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा है क्योंकि गुजरात की जनता के हाथों हमें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल रहा है। हिमाचल में बहुत पीछे रह गई, गुजरात में भी लड़े, हिमाचल में भी लड़े, लेकिन आज आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी बन रही है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने 10 साल पहले ये बनाई, जो बाद में इसमें मेहनत करते रहे, हर कार्यकर्ता बहुत खुश है इस बात को लेकर। लगता है कि दिल्ली, गुजरात और हिमाचल के चुनाव आसपास होने से बहुत फर्क पड़ा? अब जिससे भी जो फर्क पड़ा और नहीं पड़ा, आज मुझे नहीं लगता कि 10 साल में कोई पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ी होगी। और गुजरात में गए, जहां के बारे में कहते थे यहां तो एंट्री नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी, ना सिर्फ धमाकेदार एंट्री कर रही है बल्कि वहां पे जाके 15-20% वोट आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वहां पे ये पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने सर आंखों पे बिठा के नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है। हम गुजरात की जनता का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज है। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली में तो आपको बड़ा मैंडेट मिल ही रहा है, पर अगर बाकी जगह हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो आप आम आदमी पार्टी कहां जाएंगे? देखिए अभी आपके एग्जिट पोल पे बात करते हैं, जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट पे बात करेंगे।